कांकेर बाईपास में हम आज GSV मटेरियल का टेस्टिंग के लिए आए हैं। ये बेड एक्चुअल में पहले बन गया था, अब इसका आज हम कॉम्पेक्शन टेस्ट करेंगे। GSV ग्रैनुलर सब बेस मोर्थ सेक्शन 400 क्लॉज 401। हमारे यहाँ जो GSP यूज हुआ है वो ग्रेडिंग 5 और 6 का मिश्रण है। ग्रेडिंग 5 इसलिए क्योंकि ये ड्रेनेज लेयर का भी काम करता है। GSP का फंक्शन ड्रेनेज लेयर के लिए भी है, कैपिलरी एक्शन को रोकना है, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके थे। और आज इसका हम कॉम्पेक्शन टेस्ट करेंगे क्योंकि ये फुली कॉम्पैक्टेड पेड बताया जा रहा है। इसका ग्रेडिंग रोलिंग सब कंप्लीट हो चुका है, अभी हम कॉम्पेक्शन टेस्ट करने के लिए आए हैं। तो कॉम्पेक्शन टेस्ट के लिए जो IS कोड है वो है 2720 पार्ट 28। उस IS कोड के प्रोसीजर से यहाँ टेस्टिंग हो रही है। इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है पोरिंग सिलेंडर, वेइंग मशीन, ट्रे और सैंड। अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पोरिंग सिलेंडर सैंड है, ये होल किया जा रहा है। इसका भी जो होल है वो 200 डाया का है, तो पोरिंग सिलेंडर का भी होल 200 डाया का है। इसमें जो सैंड आ रहा है इसका वेट है टोटल सिलेंडर के साथ 29.8 kg। अब जो मटेरियल एक्सकेवेट करके उससे निकलेगा उसका भी वेट हम लेंगे और फिर उसमें सैंड पोरिंग करेंगे उसका वेट लेंगे। अभी पूरा वेट जितना डेप्थ था उतना डेप्थ पूरा खोद के निकाला है। हमारा GSV का डेप्थ यहाँ पे थिकनेस जो है 200 है और ड्रेनेज लेयर हमारा मिनिमम 150 है, तो ड्रेनेज लेयर का वेट थोड़ा ज़्यादा है। ड्रेनेज लेयर जो है पूरा सबलेट के सबलेट टॉप तक जाता है और GSV ओनली सिर्फ कैरीज वे में रहता है। तो GSV की विड्थ हमारे यहाँ 5.45 सिंगल साइड, टोटल विड्थ में 10.9 है। और अभी हम पोरिंग सिलेंडर को होल के ऊपर रखे हैं, सैंड पोरिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसका जो उसका वेट ले लिए थे जो एक्सकेवेटेड मटेरियल निकला, अब उस मटेरियल का वेट लिए हैं, अब सैंड पोरिंग का निकलेंगे। जो पोर हो जाएगा सैंड इसमें उसके कोन के साथ, तो हम टोटल जो 29.8 है उससे इसको घटाएंगे, उससे हमारा जो ये उस वेट के बाद इसको जो घटाएंगे तो उससे हमारा होल का जो है वॉल्यूम आ जाएगा। और सैंड पोरिंग के बाद हम सैंड पोरिंग सिलेंडर के साथ वेट कर रहे हैं। इस वेट का भी जितना भी वेट आया उसको हम नोट कर ले रहे हैं, इसका फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अभी हम एक कैलकुलेशन किए, हमने टोटल जो है वेट लिया सैंड का सिलेंडर के साथ, जो सैंड सिलेंडर के साथ जो वेट आया था वो है हमारा 29800। उसके बाद सैंड सिलेंडर का वेट के साथ उसके बाद हम उसको सॉइल का वेट लिया, जो एक्सकेवेटेड सॉइल था उसका वेट आया था 9390। उसके बाद जो है पोरिंग सिलेंडर में से वो उसमें जो सैंड पोरिंग किए उसका वेट पोरिंग के बाद जो वेट आया वो 21645 आया। उसके बाद उसमें जो कोन है, उसमें कोन है, उस कोन का जो सैंड होता है वो फिक्स रहता है, वो 2675 है। उसके बाद जो है अब जो इसके इसमें माइनस किए टोटल पोरिंग सिलेंडर प्लस कोन का वेट, वो टोटल सिलेंडर के वेट से माइनस करने के बाद जो सैंड आया बचा वेट, उस वेट को हम डिवाइड कर देते हैं बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड से। बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड से डिवाइड करेंगे तो उसका हम तो जो हमारा जो एक्सकेवेटेड होल था होल का वॉल्यूम आ गया। अब उसके बाद जो है उससे डिवाइड करने से वॉल्यूम आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए थोड़ा सा मटेरियल लेते हैं, उस मटेरियल को हीट करते हैं। हीट करने के बाद वेट पहले ले लिए थे, हीट करने के बाद जो डिफरेंस आता है 100 से डिवाइड करते हैं तो उस परसेंटेज आ जाता है। तो हमारा OMC जो है इस वेट का GSV मटेरियल का वो 6.5% है और MDD जो है GSV का 2.14 ग्राम पर CC है। ये सब चीज़ें लैब से पहले से निकाला हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल जो कैलकुलेट किए तो हमारा जो डेंसिटी आया 98.7% आया। 98.7% आया मैन मीन्स ये वेट पास है। अगले लेयर के लिए हम इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर कल WMM की लेयर डाली जाएगी, उसकी लेइंग करी जाएगी। तो इसमें हमने GSV के बारे में बताया। GSV जो है हमारा मोर सेक्शन 400 क्लॉज 401 और मोर्थ इसका जो ग्रेडिंग टेबल है वो 5 ग्रेडिंग 5 से है। मोर्थ सेक्शन 400.1 टेबल से लिया गया है। इसमें जो मटेरियल यूज करते हैं वो 75 mm से 100% पासिंग मटेरियल है और इसका जो ग्रेडिंग का जो टेबल है मतलब सीप जो लगे हैं
वो है हमारे पास सीव है, इसमें 75 53 26.5 9.75 9.5 4.75 2.36 850 माइक्रॉन 425 माइक्रॉन इतने सीव्स लगे हैं इसमें। ये जो हमारा मटेरियल है ये क्रशर रन मटेरियल यूज किया गया है। जीएसबी दो तरह का यूज होता है, प्लांट मिक्स में कदम एक प्लांट मिक्स मेथड से यूज होता है और एक क्रशर रन होता है। तो हमारे यहाँ जो जीएसबी यूज हो रहा है एक क्रशर रन है, डायरेक्ट क्रशर पे ही उसमें सीव सेटिंग किया गया है और वो मटेरियल को यूज किया गया है। तो हमारा मटेरियल क्रशर रन मटेरियल है और इसकी जो डेंसिटी किए थे आईएस कोड 2720 पार्ट 28 से किए थे, एमडीडी जो निकाली गई थी इसकी आईएस कोड 2720 से ही निकाली गई थी। इसका एआईवी जो है मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट जो है 40% है, जो आईएस कोड 2386 से निकाला गया था। और इसमें जो है एलएल जो है इसका 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीआई जो है 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है हमको। CBR जो है इसका मस्ट है, GSB का CBR हम करते हैं तो CBR जो है IS कोड 2720 पार्ट 5 से निकाला गया है और CBR जो है 30% से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो CBR है वो यहाँ पर 52% है। तो ये हमें इस प्रकार से GSB का टोटल हमने आज बताया कि कॉम्पेक्शन टेस्ट कैसे करते हैं। अगले ब्लॉग्स में फिर मिलेंगे। नमस्कार, लाइक एंड सब्सक्राइब की उम्मीद करते हुए आपके साथ फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। नमस्कार।